आज हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे प्रसिद्ध मंदिर केदारनाथ मंदिर के बारे में। केदारनाथ भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित एक हिंदू मंदिर है और इसके साथ एक समृद्ध इतिहास और पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार केदारनाथ मंदिर का निर्माण हिंदू महाकाव्य महाभारत के नायक पांडवों ने अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए किया था। भगवान शिव, जिनका पांडवों द्वारा पीछा किया जा रहा था, ने एक बैल का रूप धारण किया और केदारनाथ में जमीन में गायब हो गए। ऐसा माना जाता है कि मंदिर उस स्थान पर बनाया गया है जहां भगवान शिव गायब हो गए थे, और कहा जाता है कि मंदिर के अंदर का लिंग प्राकृतिक रूप से पृथ्वी, वायु, जल और अग्नि के तत्वों से बना है। ऐतिहासिक महत्व की दृष्टि से केदारनाथ मंदिर के निर्माण की सही तारीख ज्ञात नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि यह 1000 वर्ष से भी अधिक पुराना है। भारी बर्फबारी, भूस्खलन और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण मंदिर के पूरे इतिहास में कई नवीकरण और पुनर्निर्माण के प्रयास हुए हैं। केदारनाथ मंदिर को हिंदुओं के सबसे पवित्र तीर्थ स्थानों में से एक माना जाता है और यह भारत के 4 पवित्र मंदिरों में से एक है जिन्हें 4 धाम के नाम से जाना जाता है। हर साल हजारों तीर्थयात्री भगवान शिव को श्रद्धांजलि देने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए केदारनाथ जाते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं में केदारनाथ मंदिर और इसके महत्व से जुड़ी कई किंवदंतियां हैं। सबसे उल्लेखनीय किंवदंतियों में से कुछ पांडवों की कथा, नर और नारायण की कथा, बा लिंगम की पौराणिक कथा। केदारनाथ धाम 400 वर्षों तक बर्फ से दबा रहा। यह कहना सही नहीं है कि केदारनाथ 400 वर्षों तक बर्फ में दबा हुआ था। ऐतिहासिक अभिलेखों और स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार केदारनाथ मंदिर को भारी बर्फबारी, भूस्खलन और भूकंप सहित कई प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ा है, जिससे मंदिर और इसके आसपास के क्षेत्र को नुकसान हुआ है। हालांकि मंदिर के पूरे इतिहास में कई नवीकरण और पुनर्निर्माण के प्रयास भी हुए हैं। सबसे हालिया आपदा जून 2013 में हुई, जब अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन ने मंदिर और आसपास के गांवों को व्यापक नुकसान पहुंचाया। जबकि मंदिर पूरी तरह से बर्फ में नहीं दबा था, आसपास के क्षेत्र में काफी बर्फबारी हुई जिससे बुनियादी ढांचे को नुकसान हुआ और तीर्थयात्रियों के लिए मंदिर तक पहुंचना मुश्किल हो गया।